हेलो एवरीवन, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल मेरे किचन स्पाइस पैंट्री में आप सबको स्वागत है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ आंध्र स्टाइल चिकन करी। करी पत्ता ड्राई रोस्ट मसाला यूज़ करके इसे बनाया जाता है। इसे टेस्ट डिफरेंट होता है और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। आंध्र स्टाइल चिकन करी बनाने के लिए यहाँ पे पहले एक ड्राई रोस्ट मसाला बना लेना है। एक पैन में मैंने ले लिया सौंफ, जीरा, धनिया, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, हल्का सा भून के इसे साइड में रख देना है और ठंडा होने के बाद इसे पीस लेना है। कढ़ाई में ले लिया तेल, तेल जैसे ही गर्म हो गया ऐड कर दिया फाइनली चॉप किया हुआ प्याज, लिटिल ग्रीन चिली, कुछ करी पत्ता। अच्छे से सब कुछ मिक्स करके प्याज को हल्का सा भून लेंगे। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से मिक्स कर देना है, फिर इसे भूनना है जब तक इसका कच्चा स्मेल चला ना जाए। ऐड कर रही हूँ टमाटर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। अच्छे से सारे कुछ मिक्स करके इसे भी भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि मसाला नीचे से जल ना जाए। अभी सब कुछ मिक्स करके ढक्कन लगा के इसे कुक करेंगे ताकि टमाटर अच्छे से नरम हो जाए और मसाला अच्छे से भूनना हो जाए। टमाटर अच्छे से नरम हो चुका है, तेल भी सेपरेट हो चुका है, इसका मतलब मसाला अच्छे से भूनना हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन के पीसेस। एक होल चिकन को मीडियम साइज पीसेस में कट करके अच्छे से धो के साइड में रख दिया था। मसालों के साथ चिकन को मिक्स कर दिया। अभी जो ड्राई रोस्ट मसाला था वो भी ऐड कर दिया। चिकन के साथ मसाला अच्छे से मिक्स कर देना है। 4 से 5 मिनट लगा के मीडियम आंच पे चिकन को हल्का सा भून लेना है। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। पानी हल्का सा गर्म है। अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के चिकन को अभी कुक करना है जब तक चिकन अच्छे से नरम नहीं हो जाता है। 6 से 7 मिनट हो चुका है, चिकन नरम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मैंने चेक कर लिया, चिकन नरम हो चुका था और बीच में मैंने 2 से 3 बार चेक कर लिया ताकि चिकन नीचे से जल ना जाए। फाइनली मैंने ऐड कर दिया और कुछ करी पत्ता, ढक्कन लगा के फ्लेम ऑफ कर दिया, 10 मिनट रेस्ट पे रख दिया था। 10 मिनट बाद देखिए हमारा मज़ेदार आंध्र स्टाइल चिकन करी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। गरम स्टीम राइस, रोटी, पराठे के साथ इसे एंजॉय कीजिए। आज का रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू।